Masur, what you want? Sister or brother? क्या की तुम? हम रिकॉर्ड कर रहे थे ना. डोंट टच करने लगती है. देखा वो इसे कह रहे थे मान लगा है. बिंदी कहाँ गया मम्मी? आपका बिंदी नहीं है. ग्रीन. Hey, one more green color. एक बार ऑन करके चेक करो कि कैसा आ रहा है. तो हम लोग उसी के लिए ऑन किए और जब ऑन किए तो देखे कि सही में चल रहा है टीवी. हम बोले चलो फिर बच गया. तो एक्चुअली हम लोग जब फील्ड से आए तो फील्ड से आने के बाद हम थोड़ा थक गए थे. तो फिर हम तो सो गए थे थोड़ी देर. समायरा भी सो गई थी. समायरा सो गई थी और समायरा के साथ हम भी सो गए थे. और फिलहाल अभी समायरा कार्टून देख रही है. टीवी पता है हमारा ख़राब हो गया था फिर अपने आप ही ठीक हो गया पता नहीं कैसे. मतलब पानी डालती थी इसके ऊपर आंसू. तो एक दिन जस्ट वो बोला जिसके पास हम लोग टेक्नीशियन जो है ना टेक्नीशियन के पास हम लोग सोचे कि चलो दिखला लेते हैं. मम्मी पापा भी आ गए हैं तो अब बोर हो जाएंगे. तो इसलिए हम लोग बोले कि चलो टेक्नीशियन को दिखा करके टीवी ठीक करवा लेते हैं. तो टेक्नीशियन कॉल करके बोला कि ठीक है आप एक बार ऑन करके चेक करो कि कैसा आ रहा है. तो हम लोग उसी के लिए ऑन किए और जब ऑन किए तो देखे कि सही में चल रहा है टीवी. हम बोले चलो फिर बच गया. 4-5 हज़ार बच गया आराम से. तो काफ़ी दिन तक टीवी भी बंद था. टीवी नहीं चल रहा था. ये ऐसे ही असु के लिए थोड़ा सा ओट्स बना दिए हैं. अभी उठी है ना वो तो वो खाएगी. और फिलहाल वो लोग गए हैं GRT नहीं कल्याण ज्वेलर्स गए हैं. मेरा जो ईयरिंग्स था ना झुमका एक था मेरे पास वो हम पहन नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से और वो खुल भी जा रहा था बार बार खुल जा रहा था. तो इसलिए वो गए हैं वो रिटर्न करके कुछ और उसके बदले में लेके आएंगे. देखते हैं क्या लेके आते हैं पता नहीं. तो फिलहाल पापा और वो GRT गए हुए हैं. GRT नहीं कल्याण ज्वेलर्स गए हुए हैं. और मम्मी अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं नहा धो करके. वो लेट से खाना खाएंगे तो वो अभी रेस्ट कर रही हैं. और हम जा रहे हैं आटा सानने फिर रोटी वोटी बनाएंगे. यस आशु. व्हाट आशु? मुझे रोबोट खेलना है. रोबोट? बिग रोबोट चाहिए. बिग रोबोट? आई डोंट हैव बिग रोबोट. मम्मा व्हाट हैपेंड? आइस रोबोट. आइस? आइस रोबोट क्या होता है? मम्मा मुझे लगाना है. लगाओ. लगा के दिखाओ मम्मा को कैसे लगता है. ब्लॉक्स लगाओ. विच कलर डू यू वॉन्ट? क्या वो नहीं निकल रहा है? एक चेन करो ना. तुम दोनों एक साथ मूव कर रही हो तो कैसे खुलेगा? एक बेटा एक वन बाय वन. उसको नीचे करो नीचे करो. ओके ठीक है ओपन करो उसको. यस. सारा नहीं निकालो बेटा थोड़ा निकालो ना. वन बाय वन निकालो. ओके मम्मा. वो क्या है? व्हाट्स दैट? उससे पेंट नहीं होता. वो पेंट करने का नहीं है. नो फोटल. व्हाय नो फोटल? नो फोटल. ग्रीन? No, that's not green. That's yellow. No, it's not green. I want green color. No green. It's there in bag. Is that? Yeah. Bag में से निकालो. Green color मुझे चाहिए. I want a green color. No, no. Why? असु close क्यों कर दी? Open. Which color do you want? Where is my locks? Lock is there only na. Lock karo usko. Alhamdulillah. Chalo lo, isko lo. Isko rakho. क्या कर रही हो? क्या चाहिए? क्या तुमको क्या चाहिए? व्हाट यू वांट? व्हाट यू वांट? वन लॉक. टू लॉक. लुक.
यू गॉट ग्रीन कलर. ग्रीन. हे, वन मोर ग्रीन कलर. वन ग्रीन. वेयर इज ऑरेंज? शो मी ऑरेंज इन पॉपर स्केट. You have done your homework? Hello everyone, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे. आज है 18th of October, ट्यूसडे है. तो फिलहाल अभी कितना, 9:15 बज रहा है. हम टाइम देख के बताते हैं, एक मिनट. 9:09 हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम 9:09 हो रहा है अभी. और खाना वाना ऑलमोस्ट बन चुका है, हमारा काम भी ऑफिस का हो चुका है. ये गए हैं अभी ऐसे ही असु को लेके बाहर घूमने के लिए, पापा को भी साथ में लेके गए हैं. और मम्मी ऐसे ही अपना इधर उधर थोड़ा बहुत काम वाम है, कपड़ा वपड़ा अरेंज कर रही हैं. तो हम भी खाना बना लिए, तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे. तो हम सोचे चलो भाई बात करते हैं आप लोगों से, बहुत दिन से बात अच्छे से नहीं हुआ है. तो इसलिए हम सोचे चलो फिर आप लोग से बात करते हैं. तो इसलिए हम आ करके अभी फ़िलहाल आराम से बैठे हुए हैं और हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं. एक्चुअली कुछ शेयर करना था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग से शेयर करना है. लेकिन हम सोच रहे हैं वो अकेले नहीं शेयर करेंगे, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग दोनों मिलकर वो शेयर करेंगे. कल है 19th और मेरी जो नेबर है ना, उसके घर पे मतलब उसकी जो दादी सास है ना, वो आने वाली है और उसके मतलब फादर इन लॉ आने वाले हैं. तो उसके लिए थोड़ा अभी वो भी अपना घर वर में ही बिज़ी है, थोड़ा वो अरेंज वरेंज कर रही है और वो पहले से तैयारी करके रख रही है उनके लिए, ताकि उनको आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो. तो फिलहाल वो उसी में ही बिज़ी है और असु गई है पापा के साथ, तो हमको थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया, तो अभी हम चिल कर रहे हैं. मम्मी को मन नहीं लग रहा है समायरा के बिना. बोल रही है बहुत शांति लग रहा है घर में, समायरा नहीं है तो. है ना मम्मी? लगते कि कोई घर नाम दी है. देखो मन नहीं लग रहा, हम तो बोले हाँ शांति लग रहा है घर में, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा देखिए मम्मी को समायरा चाहिए, उसके साथ वो हुड़दंग करते रहती है, वही अच्छा लगता है. लेके जाना है स्कूल, पता नहीं काहे के लिए मंगाई है. लेकिन अभी तो दीपावली में टाइम है ना, आज तो 18 तारीख ही है. हाँ बोली मिट्टी का दिया लेके आने के लिए, तो खाली इसको दिया और रुई लगा करके दे देंगे, जलाएंगे नहीं अपना, पता नहीं है वो जलाएगी वहाँ पे तो जलाएगी उसकी मैडम. तो ये तो आ गए हैं अभी असु को लेकर के और साथ में मछली लेके आए हैं बहुत सारा. कहाँ है आपका मछली? कौन सा मछली लेके आए? देखो इतने सारे मछली हो गए अब इसमें, बहुत सारा मछली. काउंट करके बताइए तो कितना सारा है. ये ब्लैक वाला नया है ना अभी जो है, कहाँ है? अच्छा वो अलग रखे है क्या? ओ ये इसमें इसको प्राइवेट मिला है. ये मारता है ना जो, ये दिख नहीं रहा अच्छे से. ये मत लगाइए, ये पता है इसमें फंस जाती है. नहीं नहीं ये लोग अच्छा लगता है, अगर मान लीजिए बोरिंग रहता है, बहुत जल्दी बोर हो जाता है. ये तो मार देती है ना सबको, बहुत डेंजर फिश है ना ये. एक ही लेकर आए हैं ये, एक ही है. देखिए फिन एकदम पूरा झालर झालर है. फुल मून क्या है? फुल मून. जिसका पूरा झालर होता है वो फुल मून. अच्छा. और जिसका थोड़ा सा है वो कितना सारा है उसका? मछली हो गया अभी स्टार्टिंग में, तो कितना थोड़ा सा लेके आया था, अभी कितना सारा हो गया मछली. कितना सारा है टोटल इसमें? 7 इसमें 1. स्टार्टिंग में पता है बहुत थोड़ा सा ही लेके आए थे, मतलब बार बार ये लेके आ ही रहे हैं अपना फिश. आपको वो चाहिए? कौन सा? क्या उसका अलग खाना? क्या है वो? उसका खाना भी अलग आता है? ये क्या बात है भाई, तभी स्पेशल फिश है ये तो. असु क्या कर रही है उधर? क्या कर रही है असु? ये देखो टाइम पास कर रही है लड़की. क्या कर रही है तुम? नहीं इसमें नहीं. क्या बर्तन धो रही है? सो
हाँ क्लीन कर रही है, देखो ना मैडम खड़ी कैसे हुई है, अपना चेयर लेके आई है, चेयर पे लगा के और फिर उसके बाद खड़ी हुई है। मोनी के बेटी बात तो दो भाई ना इतनी अशुभ, आर यू क्लीनिंग, बोल रही है हटने के लिए। गो दादी, अरे क्यों क्यों भेज रही है दादी को, दादी कहाँ जाएगी? ये बीच वाला हटा दे क्या फ्लावर? कौन सा बीच वाला? वही हमको लग रहा है कि स्पेस उसके पास होगा ही नहीं घूमने उमने का, उससे थोड़ा खचपच हो गया है। कुछ और, एक सिंगल है तो वैसा कुछ रख दीजिए, क्योंकि फिर उसको ना जगह नहीं मिलेगा। ये बाउल कितने का? 100 रुपीज, 140 का। अरे तो ये बाउल नहीं, अरे बाउल 140 का और 200 का फिश है ना। हम जा रहे हैं टीवी देखेंगे थोड़ा देर के लिए। ये इसका स्पेशल खाना आता है, डाइजेस्टिबल फूड इस फिश का, केवल 2 दाना इसको देना है। फोल्ड करके रख देते हैं। मॉन्स्टर थोड़े है, फिश है, वो खाली है, ऐसे उसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है वो। हाँ वो एम्प्टी है, उसको खाना कम दिया होगा वहां पे इसलिए खाली फटाफट ये दान खाना मिलते ही दिख नहीं रही है अच्छे से। इसमें इधर से दिखने लग रहा है फ्रॉक पहनी हुई है ना, देखिए। इतनी बड़ी लग रही है ना, एक्चुअली में इतनी बड़ी नहीं है वो, उसका पावर के चलते, शीशा का पावर के चलते लग रही है। इसमें भी बहुत सारी है। इसमें तो लाइक किया है रे। नो राम नो। ये क्या कर रही है? नो नो नो। असु क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग? आई एम मछली खाना। ऐसे रखेंगे ताकि दोनों को लगे लाइक, है ना? असु क्या की बाहर तुम गई तो? बाहर क्या की? बाहर गई थी ना अभी घूमने, घूमी घूमी की ना। दादी को देख के आओ शूज, दादी का शूज देख के आओ दादी को। नो इट इज मी ड्रेस करनी है। हम दी तुम दादी को? नहीं दी, नहीं दी। हम दादी का शूज क्यों नहीं दी? अच्छा दादी का रूम में रख के आ गई है। क्या हुआ आसु? व्हाट हैपेंड? आर यू एंग्री? क्या कर रही हो? तोड़ दी, तोड़ दी, इतना गुस्सा? हाँ क्यों नहीं फेंको उसको बेटा? नो डोंट डू। देखो बुबू हो गया दादी को नेल में, नेल में बुबू हो गया, देखो नेल में, नेल में देखो बुबू हो गया है दीदी को। देखो क्या हुआ है, सो मेडिसिन लगा दो, मेडिसिन लगा दो दादी को। कहाँ है मेडिसिन? कहाँ है मेडिसिन? पानी हाँ दे दो दादी को, पानी दो, गिर जाएगा पानी। लगाओ असु कैप लगाओ, गिर जाएगा नहीं तो, पानी गिर जाएगा, कैप लगाओ, चलो कैप लगाओ। आई गिरेगा गिरेगा। क्या की तुम? हम रिकॉर्ड कर रहे थे ना असु, क्या कर रही थी? कल तुम लेके जाओगी लैम्प, मड लैम्प लेके जाना है ऐसु तुमको। गिर जाएगा बेटा, वैसे नहीं करो, गिर जाएगा। माय डियर बेबी व्हाई आर यू एंग्री? नहीं डोंट क्राई, अरे
नो फोटल, देखो कौन है इसमें, मम्मा का है नो नो मम्मा. व्हाट हैपेंड बेटा, आर यू एंग्री, आर यू सैड, आर यू सैड, जा. हाय बोल दो, हाय बोल दो. सुंदर सुंदर बन जाओ. हो गया समझ गए. तो फिलहाल हमारा खाना हो चुका है, डिनर भी कर चुके हैं. अभी उधर अनुपमा चल रहा है, मम्मी उधर सीरियल देख रही है, और ये देखो रॉक स्टार बर्तन धो रहे हैं गाना सुनते सुनते. मम्मी को हाथ धोना है शायद, मम्मी को हाथ धोना है. आंसू उठ जाओ बेटा, नीचे नहीं सो, उठ जाओ आंसू, उठ जाओ. चलो चलो स्लीपिंग करेंगे, चलो स्लीपिंग करेंगे. ये देखो टाइम कितना हो रहा है, 11:30 हो गया है. बाप रे, देखो ना दुपट्टा ले ली मेरा. चलो चलो स्लीपिंग करो. सारा पिलो उधर रखियो, पिलो को पहले अरेंज करो, अरेंज द पिलो. चलो पिलो ठीक करो, ऐसे पिलो रखो इधर, सब पिलो रखो. मम्मा का पिलो रखो, पापा का पिलो रखो, और आंसु का पिलो रखो. चलो जल्दी रखो, स्लीपिंग करेंगे. पापा का पिलो कहाँ है, पापा का पिलो रखो. चलो उधर पिलो रखो. क्या कर रही हो बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? रात में तुमको सुंदर बनना है. स्लीपिंग करो, कल फिर सुबह नहीं उठोगी ना, अगर स्कूल के लिए तब बताते हैं हम तुमको. स्कूल नहीं जाना है कल? हाँ हाँ हाँ, क्या है? मम्मा. यस आसो. चलो आसो स्लीपिंग करो. आसो आसो. Let's go to sleep. No, Mama. Are you a bad girl? No, Mama. Then go to sleep. No, Mama. तो ऑलरेडी अब 12 बज चुका है और हम लोग आ गए हैं सोने के लिए. तो अब एक्चुअली हस्बैंड भी हैं साथ में, तो हम बोले चलो भाई फाइनली वो मोमेंट को ही बोलते हैं हम, कि हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को क्या बताना है. आप बताएंगे ना? यहाँ पे समायरा सोई हुई है, इसे पूछ लीजिए. समायरा क्या बताना है, आंसू बता दो क्या बताना है. बाय बाय. क्या बोल रही है ये, आप ही बता दीजिए. आंसू आंसू, व्हाट यू वांट, सिस्टर और ब्रदर? तो यही था है ना, व्हाट यू वांट, सिस्टर और ब्रदर? यही था एक्चुअली, अनएक्सपेक्टेड. सिस्टर और ओके, उधर बोलो, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट? सिस्टर. शी वांट अ सिस्टर, इसको सिस्टर चाहिए. तो फिलहाल एक्चुअली काफी टाइम से हम वीडियोस भी इसी की वजह से नहीं बना रहे थे, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा मेरा ऊपर नीचे चल रहा था, तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहा था, मूड भी ठीक नहीं रह रहा था. इसकी वजह से हम काफी टाइम तक वीडियोस वगैरह नहीं डाले और ना बनाए थे. तो अब आज काफी दिन के बाद मतलब वीडियो सही से बनाना शुरू किया. एक्चुअली अब कंटिन्यू कर रहे हैं, धीरे धीरे करके शुरू कर रहे हैं. तो फिलहाल अभी मेरा चल रहा है 25th वीक चल रहा है अभी, और मेरा ड्यू डेट है 26 January, यानी रिपब्लिक डे. जी हाँ, याद रहेगा सबको, रिपब्लिक डे मेरा ड्यू डेट है. होपफुली उस टाइम पे या उससे पहले ही होने के चांसेस है, क्योंकि मोस्टली ड्यू डेट से आगे पीछे होता रहता है. तो इसलिए ही बताने का सोच रहे थे काफी टाइम से, तो सोचे चलो भाई आज बता ही देते हैं फाइनली, क्योंकि काफी टाइम हो गया है अब. मतलब अब अच्छे से बेबी बम्प भी दिखने लगा है, तो हम बोले कि ठीक है चलो
देखते हैं, मतलब काफी लोग तो पता चल गया होगा शायद, जो हमको जानते हैं उनको तो पता ही था, जो नहीं जानते हैं उनको नहीं पता है केवल, अदरवाइज तो ऑलमोस्ट सबको पता है ही इसके बारे में। तो देखते हैं आंसू की बहन आती है या भाई आता है, पता नहीं, देखते हैं। आंसू 3 साल की हो गई, 10th of October को आंसू 3 साल की हो गई, तो अराउंड 3.5 ईयर का गैप रहेगा दोनों में, तो ठीक है, ओके ओके। अगर बात करें कि ये प्लान था क्या, तो सोचे तो थे, एक्चुअली प्लान था हमारा कि हाँ अब मतलब आंसू के शिवलिंग जो भी है उसको लाना है, बट ये नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी हो जाएगा, मतलब बहुत हम लोग जब प्लानिंग शुरू किए तो अराउंड 1st month में ही वैसा हो गया, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला सोचने का, बट ठीक है, अब देखते हैं, होपफुली सब अच्छा हो आगे। आप लोग प्रे कीजिएगा हमारे लिए कि सब अच्छा ही रहे, बेबी और हम भी ठीक रहें और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जैसे आंसू के टाइम पे हुआ था नॉर्मल डिलीवरी, तो इस बार भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बस यही एक्सपेक्टेशन है। और क्या, मतलब घर का काम वाम भी हम कर ही रहे हैं। इनिशियल में क्या हुआ था ना, जैसे कि फर्स्ट जैसे हम 1st month तो नॉर्मल ही रहता है, उसमें उतना पता नहीं चलता है। 2nd और 3rd month थोड़ा मेरा कॉम्प्लिकेटेड रहा था इस बार, मतलब थोड़ा वोमिटिंग वगैरह हुआ और हमको खाने का भी मन नहीं कर रहा था इस बार, मतलब खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ भी खाने में अजीब सा ही मतलब टेस्ट हो रहा था, मन नहीं कर रहा था, लगता था क्या खाएं, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, मीठा नमकीन ऐसा होता है ना कि कुछ आपको टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन मेरे साथ वैसा कुछ नहीं था। इनिशियल जो पहला ट्राइमेस्टर था उसमें तो हमको कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, और कुछ भी मतलब बाहर जाके कुछ खाएं भी अगर कभी शौक से कुछ खा लिए तो उसके बाद वॉमिटिंग हो जाता था, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो काफ़ी बेकार ही रहा था मेरा, अच्छा नहीं था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो खाने वाने का थोड़ा इशू रहा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और वॉमिटिंग होता था, थोड़ा सिकनेस वगैरह अगर बोलेंगे तो वैसा नहीं था, लेकिन हाँ हमको एकदम भी ऑफिस का काम करने का फिर मन नहीं हो रहा था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको एकदम मन नहीं कर रहा था ऑफिस का काम करने का, बैठने का, मतलब कुछ में भी मन नहीं लग रहा था हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हम ब्लॉक लीव भी ले लिए थे अपना ऑफिस से, मतलब ब्लॉक लीव होता है 10 दिन का छुट्टी होता है, कंटिन्यूस छुट्टी मिलता है, तो वो हम ब्लॉक लीव ले लिए थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, क्योंकि वो ठीक नहीं लग रहा था उसकी वजह से। फिर जैसे ही हम जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में गए तो एक्चुअली मेरा काफ़ी बेटर हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब ऐसा खाने पीने का ज़्यादा इशू नहीं हुआ हमको, खाना पीना मतलब सब नॉर्मल लगने लगा, खाने लगे हम, और नॉर्मल वॉमिटिंग वगैरह भी मेरा कम हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर। एकदम स्टार्टिंग में तो नहीं कहेंगे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का स्टार्ट हुआ और एकदम ठीक हो गया, नहीं, सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ मतलब आप रख लो कि 15 days 20 days चला गया सेकेंड ट्राइमेस्टर का, तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके थोड़ा नॉर्मल पे आ गया, और अभी तो ठीक है, अभी नॉर्मल है। तो फिलहाल यही था जो शेयर करना था, ऐसे हम अपडेट आपको देते रहेंगे, अब मेरा प्रेगनेंसी कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे सिम्टम्स वगैरह है, आप लोग भी गेस करो, मतलब मेरा ऑलमोस्ट 6 month अभी चल रहा है, तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या हो सकता है, कमेंट करके बताना मेरे को कि मतलब आप लोग का क्या गेसिंग है कि क्या होगा, आंसू का भाई आएगा या बहन आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सब तक के लिए बाय बाय बाय, गुड नाइट दीजिए, गुड नाइट कर दीजिए, गुड नाइट आंसू, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट।